हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे से होंगे। तो टुडे आई थॉट ऑफ शेयरिंग समथिंग विद यू। जैसा कि शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, बट मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। तो आई थॉट कि आज मैं एक वीडियो फॉर्मेट में आपके साथ में शेयर करूँ कि मैंने रिसेंटली क्या लिखा है। तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। बाकी यू टेल मी कि आपको कैसा लगा और क्या आप सोचते हो उसके बारे में। तो इट गोज लाइक दिस। मुझे इस बात का पूरा आभास है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपना ज़्यादातर वक्त अपने ख्यालों की दुनिया में बिताता हूँ, और उन्हीं ख्यालों सपनों को बुनता हुआ मैं कहीं असलियत पिरोने की कोशिश करता हूँ, और इस कोशिश में मैं कभी जीतता हूँ तो कभी हार भी जाता हूँ। पर खुशी इस बात की है कि इस अर्थहीन दुनिया में मैं कहीं अपना एक अलग अर्थ बनाने की कोशिश में लगा रहता हूँ, और यह कोशिश ही मेरे जीवन को सार्थक बनाती है। मुझे कोई कैसे देखता है और कैसे समझता है, इससे कोई खास फर्क पड़ना मुझे मानो बंद सा हो गया है। पर अपने ख्यालों की दुनिया में रहते हुए मैं यह ख्याल अपने जहन से कभी नहीं निकलने देता कि एक दरवाज़ा असल जिंदगी को भी खुलता है, और उसमें रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने ख्यालों की दुनिया में रहना। मैं यह कभी नहीं भूलता कि पेट पालना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ख्याल बुनना, क्योंकि ख्याल बुनने के कोई पैसे नहीं देता और समाज कुछ खास सम्मान भी नहीं करता। ख्यालों को मैं अपनी दिली खुशी के लिए बुनता हूँ, और बाकी सभी अन्य काम पेट पालने को ज़रूरी है। मेरे लिए जितना ज़रूरी अपने ख्यालों की दुनिया से चिपके रहना है, उतना ही ज़रूरी लोगों से मिलना भी है, उनके साथ बैठकर उनके फालतू के जोक्स पर हंसना, उनकी अर्थहीन बातों में अर्थ ढूंढना, किसी रोते हुए को हंसाना, किसी मुसीबत में पड़े इंसान को रास्ता दिखाना, और यह सभी काम मैं बखूबी निभा लेता हूँ, पर सिर्फ अपना गुजारा चलाने के लिए। कभी कभी लगता है कि मैं एक एक्टर हूँ जो लोगों के सामने अलग अलग पात्र निभा रहा होता हूँ, और असल तो बस अकेले में ही कहीं होता हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं किसी रनिंग ट्रैक पर हाथ में छाता और पानी लिए खड़ा हूँ, और हर उस इंसान के लिए तत्पर हूँ जो भाग रहा है निरंतर किसी दौड़ में। समय बीतता है, लोग बदलते हैं, पर मैं वहीं का वहीं हाथ में छाता और पानी लिए खड़ा रहता हूँ, और इस दौड़ के अलग अलग किरदारों के लिए सिर्फ एक आराम का जरिया हूँ। लोग बारी बारी आते हैं थके हारे, और कुछ देर मेरे साथ बैठते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, छाते की छाँव में कुछ देर बैठते हैं, और फिर मुझसे कहते हैं कि हमें भागना है, कहीं फिर मिलेंगे कभी। और बस ऐसे ही मैं लोगों को आते जाते दौड़ते भागते देखता रहता हूँ। कभी लगता है कि मैं कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा और सब मुझसे आगे निकल रहे हैं। सोचता हूँ यह लोग भाग कहाँ रहे हैं और इन्हें पहुँचना कहाँ है। क्या मुझे भी वहाँ पहुँचना चाहिए, या मैं पहुँच चुका हूँ, या फिर ऐसी कोई जगह है भी या नहीं जहाँ हमें पहुँचना हो। फिर तभी लगता है कि इतने समझदार लोग भाग रहे हैं तो पागल थोड़ी होंगे। कुछ तो होगा ऐसा तलाश रहे हैं जो ये लोग, जिसे मैं बिल्कुल देख नहीं पा रहा हूँ। और बस इसी ख्याल के साथ मैं रात को सो जाता हूँ एक गहरी नींद में रोज। दैट्स इट गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा हो अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे कॉमेंट्स में। That's it guys, bye bye.